हेलो फ्रेंड्स, मेरे आयुषी मिश्रा फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बनाएंगे नमकीन मछली। नमकीन मछली चाय के साथ में बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके आप लोगों को नहीं देखनी है। अगर वीडियो आप स्किप करके देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी कि नमकीन मछली मैंने कैसे बनाई है। चलिए अब हम अपना वीडियो बनाते हैं। एक कटोरी मैंने मैदा लिया है नमकीन मछली बनाने के लिए। एक कटोरी मैंने और मैदा लिया है, दो कटोरी मैदा यहाँ पे लिया है नमकीन मछली बनाने के लिए। एक चम्मच हमारा कस्तूरी मेथी है, इसको हाथ से हमने क्रश कर लिया है। अब इसमें हम डालते हैं मैदे में अपने। एक चम्मच हमारा जीरा है, ये भी डाल देंगे। चार बड़ा चम्मच हमारा रिफाइंड का तेल है, इसको भी डाल देंगे। आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम रिफाइंड इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। मैदे में अपने हाथों से ऐसे से मिक्स कर लेंगे कि पूरा हमारा अच्छे से सारा सामान मिक्स हो जाए जितना हमने डाला है। आप ऐसे मुट्ठी कप बना के देखिए, अगर इसका रोल बन जाए तो समझ लो हमारा खस्ता हो चुका है। अभी हमारा खस्ता नहीं हुआ मैदा। ऐसे मैदा हमें अपना खस्ता करना है। अब मैदा हमारा देखिए खस्ता हो चुका है, रोल बन रहे हैं। अब ये खस्ता हमारा मैदा हो चुका है। इसमें अब हम पानी डाल के गूंथेंगे आटा अपना। हम मैदे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। आटा हमें बहुत सख्त ही लगाना है, इसका आटा हम बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं गूंथेंगे, नहीं तो मछली हमारी अच्छी नहीं बनेगी। ऐसे ऐसे आटा हमें गूंथना है, इसको हम गूंथ लेंगे। अभी हमारा कंप्लीट गूंथ नहीं गया आटा, और टाइट ही आटा हम गूंथेंगे। आटा हमारा गूंथ गया है, अब देख सकते हैं। इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे, ये हमारा आटा सेट हो जाए और हमारी मठरी बहुत अच्छे बने। इससे हमारी नमकीन मठरी बहुत अच्छी बनी गई। 15 मिनट हो चुका है हमारे आटे को। अब हम एक छोटी सी गोलियों की तरह ऐसे इसको लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं, लेकिन रोटी के बराबर हमें नहीं लेना है, छोटा ही लेना है। इसको ऐसे बनाएंगे। आज हम बेलन से मछली नहीं बनाएंगे, आज हम अपने हाथ से बनाएंगे इस तरीके से। इसी आकार में हम अपनी सारी मछली बना लेंगे जैसे बनाए हैं। हम हाथ से ही बनाएंगे, बहुत पतला हमें नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। ऐसे सारी हम बना लेंगे अपनी मछली। अब हम अपने गैस को ऑन करेंगे, एक कढ़ाई इस पर चढ़ा देंगे। इसमें हम ऑयल डालेंगे अपना, रिफाइंड का है हमारा ऑयल। गैस की फ्लेम को हम तेज़ी रखेंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद में हम स्लो कर देंगे। बहुत तेज़ आंच पे हमें नहीं बनाना है, ताकि हमारी मछली फूले ना। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर रहे हैं। सारी मछली हमारे बन की तैयार हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा तेल हाथों में लगा के बनाए हैं, मछली बहुत अच्छी बनती है तेल लगा के। अब हम सारी अपनी मछली डाल देंगे तेल में। इसी तरीके से जितना इसमें सेट हो जाएगा हम डाल देंगे। तुरंत हमें नहीं पलटना है, 2 मिनट बाद में पलटना है हमें। स्लो आंच पे बनाना है मछली हमारी, बहुत तेज आंच पे नहीं बनेगी। मछली हमारी मोटी ही बनती है, इसीलिए हम तेज आंच पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो कच्ची रह जाएगी। हमको स्लो आंच पे बनाना है।
अब हम अपनी मछली को पलट देंगे करके ऐसे। आप देख सकते हैं बाजार जैसे हमारी मछली बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारी मछली अपनी तल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी मछली बनके तैयार हो चुकी है बाजार जैसी। आप भी इसी तरीके से बनाइए और खाइए चाय के साथ में, बहुत ही टेस्टी लगता है, वो जल्दी बन ही जाता है बहुत कम समय में, ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। हमारी मछली बहुत ही खस्ता बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है, आप देख सकते हैं। ऐसे आप भी बनाइए और बना के आप भी खाइए, कमेंट करके बताइए कि हमारी मछली कैसे बनी है। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू।